अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम ब्लड प्रेशर मेजर करना सीखेंगे। इसके लिए दो तरह की डिवाइसेस यूज़ होती हैं मेनली, एक तो है मर्करी स्फिग्नोमैनोमीटर और एक एंड्रॉयड है। सबसे पहले हम मर्करी वाले को देखते हैं। इसको ओपन करने के लिए ये बटन है, इसको हम ऐसे पुश करेंगे तो ये इसका लॉक खुल जाएगा। ऐसे आपने ऑन कर लिया और इसको बाहर निकालेंगे। अब इसको सबसे पहले बात, इसके अंदर ऑन करने के बाद इसका ये लॉक है, इसको सबसे पहले अनलॉक करने के लिए ये अगर राइट साइड पे होगा तो ये लॉक्ड है, और अगर उसको लेफ्ट साइड पे करेंगे तो अनलॉक होगा। अगर आप अनलॉक नहीं करेंगे तो इसको जितना मर्जी पुश कर लें, मर्करी ऊपर नहीं जाएगी, ठीक है, आप मेजर नहीं कर सकते। इसके लिए सबसे पहले आपको इसको अनलॉक करना पड़ेगा डिवाइस को, उसके बाद जब आप पुश करेंगे तो फिर मर्करी ऊपर जाएगी और आप रीडिंग मेजर कर सकते हैं। इसके अलावा एक और बात इसमें याद रखने वाली होती है कि जब आप ऑन करते हैं तो अक्सर औकात मर्करी वाले का ये थोड़ा ड्रॉबैक आता है कि पड़ा रहने की वजह से, या अगर पुराना हो डिवाइस तो ये मर्करी का कुछ पार्ट ऊपर अलहदा से रह जाता है, तो उसको अगर आप उससे मेजर करेंगे उसको सही किए बगैर तो आपके पास फॉल्स रीडिंग आएगी। उसके लिए आप पहले इसको ऐसे टैप कर लें हल्का सा, मर्करी अगर ऊपर गई हुई है तो उसको उसके पार्ट को सारे नीचे एक्यूमुलेट हो जाए तो फिर आप मैयर करें ताकि आपकी रीडिंग सही आए। और ये ज़्यादातर इस तरह से भी होता है कि इसको लॉक किए बगैर अगर हम इसको ऐसे कर देंगे तो सारी मर्करी एक्युमुलेट होके ऊपर आ जाएगी। इस तरह से इसको जब डिवाइस को यूज़ कर लें तो इसको दोबारा से लॉक करना ज़रूरी है। अभी हम इसको अनलॉक करने देते हैं। इसके अलावा दूसरा हमारे पास डिवाइस जो यूज़ होती है इसके लिए वो ये है एंड्रॉयड स्फिग्नोमैनोमीटर। ये थोड़ा सा पोर्टेबल है, हैंडी टू यूज़ है, वो इतनी बड़ी डिवाइस आप लेके नहीं हर जगह पे जा सकते, ये हर जगह पे सांस लेके जाई जा सकती है। ये इसका कफ है एडल्ट साइज, इसको आप प्लेस करते हैं और उसके बाद इसमें मैयर करने के लिए मर्करी की जगह पे ये डायल है। आप इसको ब्लड पुश करेंगे तो ये नीडल मूव करेगी और उसके थ्रू ब्लड प्रेशर मैयर किया जा सकता है। अब हम ब्लड प्रेशर मेजरमेंट करना सीखेंगे। एक बात जो सबसे पहले हमेशा याद रखनी है वो है अप्रोच, ऑलवेज अप्रोच टू द पेशेंट फ्रॉम द राइट साइड। ये बहुत आसान सी बात लगती है लेकिन जब एग्जामिनेशन होता है और ऑस्पे वगैरह होती है तो एंग्जाइटी में हमेशा ये बात ये अक्सर भूल जाती है और ये बहुत ही नेगेटिव इम्पैक्ट जाता है इस बात का। तो हमेशा याद रखना है जब भी आपने पेशेंट के पास आना है आपने हमेशा देखना है कि आप उसकी राइट साइड से हैं। अप्रोच टू द पेशेंट फ्रॉम द राइट साइड एंड देन इंट्रोड्यूस योर सेल्फ और उसे भी कंसेंट लें, आप उसे प्रोसीजर एक्सप्लेन करें और उसे रीअश्योर करें कि इस मुआयने के दौरान या इस एग्जामिनेशन के दौरान आपको किसी भी किस्म की तकलीफ नहीं होगी, और अगर तकलीफ हो तो आप जो है आप हमें बता दें तो हम उस एग्जामिनेशन को वहीं पर रोक देंगे। इससे पेशेंट रीअश्योर हो जाता है और वो कोऑपरेटिव हो जाता है। तो प्रोसीड करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर खदीजा फरीद है और मैं आपका ब्लड प्रेशर का मुआयना करना चाहती हूँ। उम्मीद है आप मेरे साथ तआवुन करेंगे और इस दौरान आपको कोई भी तकलीफ नहीं होगी, और अगर हो तो आपने ऐसे उंगली उठा के मुझे बता दीजिएगा, मैं उधर ही रुक जाऊँगी, ठीक है? जी ठीक। बिफोर एंड आफ्टर द प्रोसीजर यू मस्ट सैनिटाइज योर हैंड, हैंड सैनिटाइज करेंगे और योर हैंड शुड बी वार्म, तो आपने अपने हाथों पर धो लिया। और ऑलवेज चेक दैट द पेशेंट शुड बी रिलैक्स एंड कम्फर्टेबल, और क्योंकि ब्लड प्रेशर जो है वो डिफरेंट इन्वायरमेंट में, डिफरेंट सिचुएशंस में, एक्साइटमेंट में या फियर वगैरह में या वाइट कोट हाइपरटेंशन की वजह से, फियर की वजह से ब्लड प्रेशर तेज़ हो सकता है। तो हमेशा जो है वो देखना है कि पेशेंट रिलैक्स होना चाहिए, और जो आइडियल पोजीशन है वो है पेशेंट सिटिंग कम्फर्टेबली। लेकिन अगर कोई पेशेंट है जो कि डिजीज है वो लेटा हुआ है तो आप फिर जो है सुपाइन पोजीशन में भी ले सकते हैं। उसके बाद आपने चेक करना है कि आर्म का लेवल यहाँ जो आपने लेने हैं ब्लड प्रेशर लेना है, राइट आर्म और लेफ्ट आर्म दोनों में से कोई भी हो उसका लेवल हमेशा हार्ट के लेवल के इक्वल होना चाहिए, स्पेशली एल्बो का। तो उसके लिए हम ये कर सकते हैं मेजर में, अब आर्म को हार्ट के लेवल के ऊपर, स्पेसिफिकली एल्बो को हार्ट के ऊपर लेवल के ऊपर ले जाने के लिए हम इसके नीचे बेल्ट सपोर्ट प्रोवाइड कर सकते हैं। अपना हाथ उठाइए, ये तकरीबन आप जो है हार्ट के लेवल के ऊपर आ गया, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आर्म जो है आर्म शुड बी सपोर्टेड। अगर आप इसको ऐसे करके लेंगे तो भी इसकी रीडिंग में डिफरेंस आएगा कि सपोर्ट नहीं है, आप ऐसे करके पेशेंट को करा के दिया, आप ऐसे हाथ रखें
स्पोर्टेड होना चाहिए आर्म, और ये एल्बो स्पेसिफिकली इसके हार्ट के लेवल पे होना चाहिए, क्योंकि 7 सेंटीमीटर एलिवेशन इन द आर्म कैन चेंज द सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर रीडिंग बाय 5 मिलीमीटर ऑफ मर्करी. तो 5 मिलीमीटर ऑफ मर्करी ही रीडिंग का डिफरेंस आ जाता है. उसके बाद आपने जो है जब आपने मैयर करना है, एक बात हमेशा याद रखिएगा कि वेन एवर देयर इज अ पेयर ऑलवेज कंप्लीट. आपने अगर राइट आर्म का कर रहे हैं तो आपने इसके बाद लेफ्ट आर्म का भी करना. उसके बाद अब जो है हम ब्लड प्रेशर मेजर करना शुरू करेंगे. सबसे पहले हम ये एंड्रॉइड कफ से हम इसे ब्लड प्रेशर देख लेते हैं. ये एडल्ट साइज का है कफ, अब नीचे रखेंगे. ये एडल्ट साइज का कफ है, और अगर आपका पेशेंट ये पेशेंट को पेशेंट पे नहीं करेगा. अब ये एडल्ट साइज का कफ है एंड्रॉइड का, तो इट्स रिटन हियर दैट इट इज ऑफ द एडल्ट साइज. और अगर आपका पेशेंट जो है वो चिल्ड्रन है तो आप उसके लिए चिल्ड्रन का यूज़ कर सकते हैं, और अगर वो इन्फेंट है तो 1 to 3 सेंटीमीटर आप ये उसके लिए वन इन्फेंट कप यूज़ कर सकते हैं. तो डिफरेंट पेशेंट्स के लिए आपकी कप डिफरेंट होगा, और ये बहुत ज़रूरी है कि जो कप साइज़ है वो पेशेंट के आर्म के अच्छे से सपोर्ट हो. इट शुड नॉट बी टू टाइट. और स्पेसिफिकली अगर ओबीस पेशेंट है, और आप उनके जो है वो ओबीस पेशेंट है बहुत टाइट करके इस तरह करके करेंगे, उनका एडल्ट उसका कफ का साइज नॉर्मल नहीं होगा, तो ब्लड प्रेशर की रीडिंग सही नहीं आएगी. और अगर कोई बच्चा है छोटा है उसके आर्म के ऊपर ये सही फिट ही नहीं रहा, तो फिर भी ब्लड प्रेशर रीडिंग नहीं आएगी सही. तो इस तरह से कफ साइज जो है ये ब्लडर साइज ये अप्रोप्रिएट होना बहुत ज़रूरी है. उसका करने का तरीका ये है, रैप करने का तरीका ये है कि ये मार्क बना हुआ है, इसको ये होता है इंडिकेशन कि आपने इसको ब्रेकियल आर्टरी, क्योंकि हम ब्लड प्रेशर जो है वो ब्रेकियल आर्टरी से मेजर करते हैं. तो ये जो मार्क यहाँ पे बना होता है वो ये होता है कि आपने इसको ब्रेकियल आर्टरी के लेवल के ऊपर रखना है. कफ का जो ये है लोअर लिमिट है इसकी, इट शुड नॉट बी लेस देन द 2.5 सेंटीमीटर और 1 इंच बिलो द क्यूबिटल फोसा. ठीक है, एटलीस्ट क्यूबिटल फोसा से 2.5 सेंटीमीटर या 3 सेंटीमीटर, या फिर अगर इंचीज में देखें तो 1 इंच एटलीस्ट ये इससे क्यूबिटल फोसा से अबव होनी चाहिए तो आपकी रीडिंग ठीक आती है. अगर हमने इसको अगर सिर्फ कोट कर लें रिलैक्स होकर बैठ जाए, ठीक है, ये 2.5 सेंटीमीटर अप्रॉक्सीमेटली यहाँ पे हमारे हो गए. और इसको आपने ब्रेकियल आर्टरी के लेवल पे रखना है. ब्रेकियल आर्टरी को देखने के लिए अपने बाजू ऐसे करें थोड़े, ये मैंने इसकी बाइसेप्स का टेंडन पर पेट कर लिया, और इसके मीडियली मुझे ब्रेकियल आर्टरी का पेट निकल गया. यहाँ पर मुझे ब्रेकियल आर्टरी की पल्सेशंस फील हो रही हैं. ये इसका बाइसेप्स का टेंडन है, आपने सबसे पहले यहाँ पे टेंडन को फील करना है, और उसके मीडियली अगर लेमन लैंग्वेज में हम कहें तो उसके इंटरनल साइड पे ये ब्रेकियल आर्टरी की मुझे पल्सेशंस फील हो रही हैं यहाँ पे करके. मैंने इस लाइन को इस लेवल पे रख दिया, और उसके बाद मैंने इसको रैप कर दिया. इस तरह ये जो ट्यूबिंग है ये मीडियल साइड के ऊपर इसमें रखी आर्टरी की, इसके डायलर है. बहुत ज़्यादा ढीला भी नहीं होना चाहिए और लूज भी नहीं होना चाहिए, और बहुत ज़्यादा टाइट भी नहीं होना चाहिए. इस टाइलर को इसके ऊपर सेट कर लेते हैं, और इट इज़ इम्पोर्टेंट कि अगर आपने कोई क्लोथिंग वगैरह है बाजू के ऊपर तो वो उतार लेंगे. कोई मोटे कपड़े हैं तो उनको उतारना जो है वो ज़्यादा ज़रूरी होता है, और कोई कॉटन का थिन है क्लोथ तो उन्हें ना भी उतारें तो फिर भी रीडिंग के ऊपर इतना कोई खास फर्क नहीं. There are two methods to measure the blood pressure. First one is somewhat crude method, which is called the palpatory method. Then auscultatory method. लेकिन palpatory method की अपनी एक significance है, जो हम बाद में clinical scenarios discuss करेंगे blood pressure से related, तो उसमें पता चलेगा कि hypertensive, especially अगर patient hypertensive है तो उसमें important है कि आप पहले auscultatory method करें, उसके बाद palpatory method करें, और उसके बाद आप auscultatory करें. क्योंकि अगर आप palpatory नहीं कर रहे तो फिर एक silent gap एक term है, उसकी वजह से आपकी ऑस्कल्टेटरी से आप अगर डायरेक्ट करें तो
तो रीडिंग में डिफरेंस आने का खर्चा होता है. आप जो है गलत मेजर कर सकते हैं ब्लड प्रेशर हाइपरटेंसिव पेशेंट में अगर आपने ऑस्कल्टेटरी से नहीं किया तो. तो इस तरह से सबसे पहले आप पल्पेटरी मेथड के लिए आप दोनों काम कर सकते हैं. आप ब्रेकियल आर्टरी से भी पल्पेट को भी पल्पेट करके आप मेजर कर सकते हैं. आप रेडियल आर्टरी से भी कर सकते हैं लेकिन ब्रेकियल आर्टरी से थोड़ा सा कन्वीनियंट इतना नहीं होता और जो है कन्वेंशन भी यही है कि ज़्यादातर रेडियल आर्टरी यूज़ की जाती है. अपना हाथ थोड़ा सा ऐसे कर हाथ ढीला छोड़ें. ये मैंने रेडियल आर्टरी यहाँ पे पल्पेट कर ली. अब मैं कफ को इन्फ्लेट करूँगी जब तक मुझे ये अब मुझे पल्पेबल अब ये पहले मुझे पल्पेट हो रही थी रेडियल आर्टरी पल्सेशन फील हो रही है अब थी अब मुझे इसकी पल्सेशन फील होना बंद हो गई. मैंने वो पॉइंट मेजर करना है कि जिसमें मुझे दोबारा पल्सेशन आना फील हो गया. उसके बाद अब हम जो आपके पास सिस्टोलिक से पल्पेटरी मेथड से आपके पास सिस्टोलिक रीडिंग आई है जो कि मुझे 120 आई है आपने उसे 30 मिलीमीटर ऑफ मर्करी ज्यादा इन्फ्लेट करना है जब आपने ऑस्कल्टेटरी मेथड से करना है. ठीक है अब ऑस्कल्टेटरी मेथड से करने के लिए हमने सबसे पहले स्टेथ को यूज़ करना है. स्टेथ को यूज़ करने के लिए हमेशा याद रखिए कि इसकी जो ईयर पीस है इट शुड बी फेसिंग फॉरवर्ड. अगर आप इसको इनवर्ट फेसिंग फेस करते हुए को अगर आप पहनेंगे तो ये आपको रीडिंग आपको सही सुनाई नहीं देगा. तो इसको पहनते वक्त हमेशा याद रखिएगा कि ईयर पीस शुड बी फेसिंग फॉरवर्ड. उसके अलावा आपने चेक करना है डायफ्राम को कि ये ऑन है कि नहीं. अभी ये इसका यहाँ से लॉक होता है ये मैंने अभी ये लॉक कर दिया. अब मैं पल्पेट कर रही हूँ तो ये मुझे इसकी आवाज़ सुनाई नहीं दे रही. इसको मैं अनलॉक करूँगी टैप करूँगी और मुझे इसकी आवाज़ सुनाई दे रही है. अब मैं इसको ब्रेकियल आर्टरी के ऊपर रखूँगी जो कि मैं यहाँ पे थी. मैंने इसको ब्रेकियल आर्टरी के लेवल के ऊपर रखा. मैं दोबारा इसको इन्फ्लेट कर दूँगी. पहले मेरे पास 120 रीडिंग आई थी अब मैं इसको 3 और किया तो 180 तक मैं लेके गई. ऐसे ऐसे मैंने इसको डिफ्लेट करते हुए ये दोबारा 120 के ऊपर पल्सेशन फील हुई है. रीडिंग क्या आ गई 120/63. ब्लड प्रेशर मेजर करते हुए इस बात का भी ध्यान रखना बहुत जरूरी है कि आपने इनको राउंड अबाउट करके 10/5 की रीडिंग में नहीं लिखना. इसको कहते हैं टर्मिनल डिजिट प्रेफरेंस कि आप प्रेफर कर लेते हैं कि आप जो रीडिंग आपके पास आ रही है पल्स करने से मेरे पास 63 आ रही थी उसका राउंड अबाउट करके या मैं इसको 60 कंसीडर कर लूँगी या मैं 65 कंसीडर कर लूँगी. फिर भी गलत है. जो एग्जैक्ट रीडिंग आ रही है लिसन केयरफुली और जो रीडिंग आ रही है आपने वही लिखनी है. 63 को आपने 60 या 65 नहीं लिखना. हमारे पास रीडिंग आ गई 120/63 मिलीमीटर ऑफ मर्करी. ये हमारे पास मेथड हो गया एंड्रॉयड मेथड. अब इसके बाद मैं करूँगी मर्करी स्फिग्नोमैनोमीटर से ब्लड प्रेशर मेजरमेंट और एट द एंड आपने दूसरे आर्म का भी चेक करना है. यह मर्करी वाला है. मैंने देख लिया इसको लॉक अनलॉक पहले से ही था. मैंने मर्करी की पोजीशन देख ली कि वो सारा नीचे ही है.
उसके बाद अब ये पहनेंगे थोड़ा सा मर्करी स्फिग्नोमैनोमीटर के थ्रू कर रहे हैं. इसके लिए भी सबसे पहले आपने पल्पेटरी मेथड करना है, ठीक है, जैसे पहले किया था. सॉरी, ये मुझे पल्पेबल होगी. ये मुझे दोबारा इसकी पल्सेशन स्पीड होना शुरू हो गई, जो कि 120 आई है दोबारा मेरे पास. मैंने डिप्लेट कर लिया कम्प्लीटली. उसके बाद स्टेथ लगाने, ब्रेकियल आर्टरी के ऊपर आपने स्टेथ रख लेना है और दोबारा से वाइज करना. अब मैं 120 से आगे 180 तक लेके गई, डिप्लेट किया. 120 पे मुझे फर्स्ट बीट आ गई, जो कि मेरा सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर है. उसके बाद मुझे 63 के ऊपर पल्सेशन आना बंद हो गई. मैं डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर मैं कम्प्लीटली डिप्लेट कर दूंगी. रिमूव करें इसको एंड एट द एंड ऑलवेज से थैंक यू टू द योर पेशेंट और सब्जेक्ट. आपका बहुत बहुत शुक्रिया था उनका. और एट द एंड यू हैव टू एक्सप्लेन द ब्लड प्रेशर रीडिंग ऑल्सो डेट यू टेक द ब्लड प्रेशर विद द पेशेंट सिटिंग कम्फर्टेबली on the chair from the right arm in which was 120 by 63 millimeter of mercury. Blood pressure was 120 by 63 millimeter of mercury and the patient was sitting and blood pressure was taken from the right arm. This will complete the procedure of the blood pressure measurement. And never forget कि आपने right arm कर लिया तो आपने left arm का भी लेना है. और क्योंकि इनके अगर रीडिंग में नॉर्मल फिजियोलॉजिकल 10 मिलीमीटर ऑफ मर्करी का अगर डिफरेंस आ रहा है तो नॉर्मल फिजियोलॉजिकल है, लेकिन अगर ज़्यादा आ रहा है तो वो पैथोलॉजिकल भी हो सकता है. फिर उसके लिए फर्दर इन्वेस्टिगेशन करनी होती है. और अगर हाई ब्लड प्रेशर आ रहा है तो फिर तो इंडिकेशन वेरी स्ट्रॉन्गली इंडिकेटेड कि आप ऑपोजिट आर्म का भी लें और उसके अलावा आप लोअर लिम्स का भी लें ब्लड प्रेशर. वो हमने जो है क्लिनिकल सिनेरियोस रिलेटेड टू द ब्लड प्रेशर डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, उसमें डिस्कस करेंगे. और एट द एंड आफ्टर सेइंग थैंक यू, यू मस्ट सैनिटाइज योर हैंड. आई होप यू लाइक द वीडियो एंड फाइंड इट बेनिफिशियल, एंड इफ यू फाइंड इट इन्फॉर्मेटिव एंड बेनिफिशियल देन डू शेयर विद अदर्स. थैंक यू.